नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज में शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। आखिर पकड़ा ही गया स्पाइडरमैन। गुना के आरुण थाने में लगातार हो रही चोरियों का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। बता दें कि आरुण कस्बे में लगातार चोरियां हो रही थी, जिससे सिरोंज पुलिस के द्वारा परवेज उर्फ नक्टा को स्पाइडरमैन की उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये आसानी से किसी भी छत पर जाकर चोरियों का अंजाम दे देता था, जिसे गुना पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। तीन आरोपियों सहित 3,61,000 रुपए एवं 5,00,000 का माल बरामद हुआ। आरुण में लगातार हो रही चोरियों से पुलिस की नींदें उड़ी हुई थी और चोरियों में आरुण की पब्लिक ने चक्का जाम, धरना प्रदर्शन तथा विधायक के साथ रैलियां भी की थी। वहीं पुलिस के एक टीआई को भी लाइन अटैच करना पड़ा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरुण में बड़ी 18 चोरियों का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। चोरी का आरोपी परवेज उप नक्टा पुत्र नन्हे मियां निवासी सिरोंज जिला विदिशा को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आरुण में लगातार चोरियों से सिरोंज विदिशा के आसपास भी चोरियों के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। साथ ही इनके साथ खरीदने वाले सोनी, रोहित सोनी, मनीष सोनी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इनसे पूछताछ के बाद करीब 18 चोरियों का खुलासा हुआ। लाखों रुपए का सोना चांदी, नकदी समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया। चोरियों का खुलासा करने में योगेश शर्मा सहित आरुण के पुलिस टीम द्वारा सराहनीय योगदान किया गया। सर, इनमें से स्पाइडरमैन कौन सा है? अरे साहब, आपने उधर पुलिस अधिकारी का साहब चेहरा स्पाइडरमैन का आरुण कस्बे में इस साल लगभग फरवरी से लेकर मई तक काफ़ी चोरियां हो रही थी। उसके कारण काफ़ी धन आक्रोश भी वहाँ पे लोगों ने किया और उसको गंभीरता से लेते हुए जो है उसमें हमने आसपास के इलाकों में भी तलाशी करी। तो एक चोर हमारे जो है हमने पकड़ा है, ये सिरोंज का रहने वाला है परवेज उर्फ नक्टा, वहाँ का जिला बदर अपराधी है। उसको जो मुखबिर की सूचना मिली उसे पकड़ा गया। पूछताछ में इसने लगभग 18 चोरियाँ इसने घूमी हैं जो फरवरी से लेकर मई तक करी गई हैं। लगभग 9,00,000 का मुशुका जो है अभी तक बरामद कर लिया गया है। सोना चांदी के जेवरात हैं इसमें और इसमें नकदी है। इसके अलावा इससे और पूछताछ की जा रही है आसपास के इलाकों में और कहाँ कहाँ वारदातों को अंजाम दिया है। उसका पुलिस रिमांड में जो है पूछताछ पर तुरंत दोबारा पता किया जाएगा। उम्मीद है कि इसमें जो है और भी इसमें कई घटनाओं का खुलासा हो सकता है। सिरोंज में इसके ऊपर काफ़ी अपराध हो चुका था। वहाँ से अभी हाल में जिला बदल भी हुआ है और वहाँ भी अपना जो है इसका तरीका वारदात था। जो ये किसी भी पाइप से या कोई भी ट्रैक्टर या वाहन की इस्तेमाल करके ये छत के माध्यम से जो है घर में घुस जाता था और जो है अपनी घटना में जान। इसलिए नाम सर क्या दिया? जो भी इनके नाम है वो आप इनके जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप। सर, पिछले 3 महीनों में आरुण में कितनी FIR दर्ज हुई थाने में? लगभग 2 दर्जन करीब FIR इसमें नकद देने की दर्ज हुई है और अधिकांश का जो है पूछताछ पर इसके द्वारा जो है वारदात को किया जाना की जरूरत है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा शास्त्री पार्क मंडी से व्यवस्थित करने की कवायद हो गई शुरू, जिसके मद्देनजर शास्त्री पार्क पहुंचकर सुनिश्चित किया गया कि जिस दुकानदार को बैठने की व्यवस्था के अनुसार नगरपालिका द्वारा जो दुकान दी गई थी उसी हिसाब से बैठे, जिससे कि आने वाले भविष्य में किसी भी तरह की कोई समस्या खड़ी ना हो। देखने लायक होगा कि शास्त्री पार्क में बैठे दुकानदार नगरपालिका द्वारा बताए गए स्थान पर बैठ ही पाएंगे या नहीं। बढ़िया है।
सीएमओ अध्यक्ष के निर्देशन पे इनको जो दुकान के लिए अलॉट हुई थी उसको बिठाया, क्योंकि ऑलरेडी नाम बहुत से निकले थे। ये कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ लोग बैटरी दे रहे थे उनको हटा दिया, उनको जो वास्तविक दुकानदार को बैठा दिया। जिसके जो नंबर है उन दुकानों पर सबको एडजस्ट करा जा रहा है। एक वर्ष पूर्व हुए झगड़े के बाद आज तक पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते फरियादी पर आरोपी लगातार राजीनामे का दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते आज फरियादी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। फरियादी ने बताया कि एक वर्ष पूर्व उसके साथ कॉलेज में हुए झगड़े के चलते कैंट थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद कैंट थाना प्रभारी ने अभी तक किसी भी तरह के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वहीं फरियादी ने आरोप लगाया है कि आरोपीगण लगातार उस पर दबाव बना रहे हैं और शिकायत वापस लेने के लिए तथा राजीनामा करने के कई बार पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद भी इस मामले में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बट एक वर्ष पूर्व मेरे साथ एक घटना हुई थी कॉलेज में, मेरे साथ मारपीट हुई जिसकी FIR मैंने कैंट थाने में करवाई थी, लेकिन आज तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है तथा आरोपीगण खुलेआम घूम रहे हैं तथा मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और राजीनामे का दबाव बना रहे हैं। मैं 2 बार SP साहब से भी मिल चुका हूँ, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई मुझे निराकरण नहीं हुआ है। कौन कौन लोग? कवेंद्र चौहान, अंकित सरवैया, अन्नू खान और अजीत सिकरवार, ये आए दिन मुझे रास्ते में रोकते हैं, धमकी देते हैं और राजीनामे का बोलते हैं कि राजीनामा कर नहीं बहुत जान से मार देंगे। किसान आंदोलन को लेकर पुलिस हुई मुस्तैद। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगामी समय में होने जा रहे किसान आंदोलन को लेकर पुलिस बहुत गंभीर है, इसके चलते ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गफलत ना हो। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आंदोलन के दौरान पहले समझाइश दी जाएगी और यदि फिर भी किसान उपद्रव मचाते हैं तो उन्हें सख्ती से निपटा जाएगा। किसान आंदोलन के संबंध में जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके मद्देनजर पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है, सूचना संकलन भी किया जा रहा है और जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं चाहे वो मंडी में हों चाहे इसके अलावा हों उनका समय समय पर जो है प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर उनका निराकरण किया जाए। शराबी चक्के जाम वगैरह भी होंगे अगर तो उसमें लेकर कुछ पुलिस बल बुलाया जा रहा है क्या है? जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी उनका जो है कानूनी तरीके से उनसे जो है उनका निराकरण किया जाए। ड्रोन कैमरे का नगरपालिका अध्यक्ष ने पेश की एक अनूठी मिसाल, जिसे अगर आगे अधिकारी अपना लें तो किसी भी विभाग में कोई दिक्कत ही खड़ी ना हो। नगरपालिका परिषद में अचानक आज एक वार्ड पार्षद ने नगरपालिका कर्मी को थप्पड़ मार दिया, जिससे गुस्साए नगरपालिका कर्मचारी सिटी थाने पहुंचे, जहां उक्त वार्ड पार्षद के खिलाफ FIR की मांग करने लगे। इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष ने उन सभी को नगरपालिका बुलवा लिया।
जहां राजीनामा करवा दिया गया। इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि घर में आपस में तनातनी होती रहती है और ये हमारे घर का मामला है, हम घर बैठे ही इसे सुलझा लेंगे, किसी खबर के लिए यहां कोई मसाला नहीं मिल पाएगा। बहने खड़ी है ना, बुलाओ, काम हो तो बाहर जो भी मेरे से मिलना चाहता बुला ले, आवाज लगा के बुला ले भाई। बहुत बड़ा है, परिवार के बर्तन गिरते गिराते रहते हैं और परिवार के मुखिया का काम है कि सबको मिलजुल कर काम ले। बच्चे सागर से, गुणन इंजीनियर PSC से हमारे आए, अच्छा काम कर रहे हैं। ठाकुर साहब, पार्षद से कोई बात विवाद हुआ है तो हम परिवार में बैठकर उसको हल कर देंगे। कौन से वार्ड के पार्षद? मुझे नहीं मालूम कौन से वार्ड का पार्षद है, लेकिन अगर मुझे पता लगा है कि कुछ विवाद हुआ है तो निपटा लेंगे। आपके लिए खबर ऐसी नहीं है कि कुछ घटना हो, निपटा लेंगे, हमारा परिवार का मामला। बाईस तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे डाक सेवकों ने रैली निकाली और सौंपा ज्ञापन। डाक सेवक अपनी वेतन संबंधी मांगों को लेकर लामबंद हुए हैं। ये लोग आज शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली निकाली, साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी प्रमुख मांग कमलेश चंद्र की जो कमेटी बनाई गई थी GDSO की सेवा शर्तों के अनुसार उसके हिसाब से उसका गठन, उसका जो सिफारिश लागू, सकारात्मक सिफारिश वो अभी तक लागू नहीं करी गई। करीबन 2.5 साल हो गया उसको, सेवंत पे कमीशन जिसके अंतर्गत है हमारा, उसी के लिए जब 2.5 साल से सरकार और हमारा विभाग हम लोगों को बरगला रहा है, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने ये दिनांक 22 तारीख से, आज 7वां दिन है हमारी इसका, पूरे भारत देश में सब जगह देशव्यापी हड़ताल है। उसी के क्रम में हमारे गुना डाक संभाग में भी पूरी शाखाएँ, 368 शाखाएँ हमारी हैं, करीबन 750 GDS जो कर्मी हम लोग, सब लोग हम लोग हड़ताल पर। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को, कलेक्टर के नाम, कलेक्टर जी के माध्यम से रैली निकाल के जा रहे हैं। और ये जब तक हमारी पूरी मांगे, जो मेन मांग मुद्दा तो हमारा कमलेश चंद्र की मीटिंग, वो समिति की रिपोर्ट है, जब तक वो लागू नहीं करते तब तक हम लोग लगातार बने रहेंगे। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल एवं विनर सोसाइटी गुना के तत्वावधान में कल आयोजित किया जाएगा एक नाट्य कार्यक्रम जो कि मानस भवन में रखा गया है, जिसका शीर्षक है दरारें। इसमें शहर के ही 20 कलाकार भाग लेंगे। इसमें प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। वहीं विनर सोसाइटी ने अधिक से अधिक संख्या में बुद्धिजीवियों को यहाँ पहुँचने की अपील की है। गाड़ी पर 3 लोग बैठे थे और जिनमें से 2 तो 18 से भी कम के थे। नाम धंधा ही कर ले। हाँ हाँ वही सोच रहा हूँ, लेकिन पैसे तो उसके भी लगेंगे ना। फिर वही पोहा। अब यही बना था। तुझे पता है ना मुझे पोहा पसंद नहीं है। अब जो बनाए खा लूँगा। जैसे माता कह रही है। चैन से नाश्ता कर ले देगी मुझे, इससे देखो रस शुरू हो जाता है। डीजे आना आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।